और नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। स्वागत आज के नए व्लॉग पे। और अभी लगभग बज रहे हैं, देख लो 3:10 और मैं आ चुका हूँ वापस एयरपोर्ट गेस्ट को लेने के लिए, क्योंकि जो मेरे गेस्ट वो आ रहे हैं आज। अभी पी रहे हैं चाय सुबह, क्योंकि जब तक चाय पीते नहीं, जब तक नींद उड़ती नहीं है, तो जैसे भी जो एयरपोर्ट है वहीं पर मैं खड़ा हूँ। दोस्तों लगभग अभी बज चुके हैं, देख लीजिए 4, और अभी भी जो मेरे गेस्ट वो आए नहीं है, तो अभी भी उनका वेट कर रहे हैं। देखिए और कितना टाइम लगता है। तो दोस्तों अभी कुछ एक गेस्ट तो पीछे की तरफ आ गए हैं और कुछ का अभी वेट कर रहे हैं, तो देखते हैं कितना टाइम वो लगता है इनको आने में। तो दोस्तों जैसे भी जितने भी गेस्ट थे वो सब लोग आ चुके हैं, और अब कर रहे हैं हम यहाँ पर बैठे बैठे हमारी जो बस आ रही है उसका वेट। जो सब हम लोग रवाना हो चुके हैं यहाँ से और गेस्ट को लेकर, और हम यहाँ से जा रहे हैं, देख लीजिए आप, अभी जो हमारी गेस्ट की होटल है ब्रेकफास्ट करने के लिए। फिर आज हम जा रहे हैं यहाँ से सीधा हसन, जैसे पहुँच चुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए। सब लोग बैठ चुके हैं और करते हैं आज से ब्रेकफास्ट। फ्रूट सैलेड है, फ्रेंच फ्राई है, केक है, चाय कॉफ़ी। और तो दोस्तों जैसे मैं जो मेरे गेस्ट हैं उनको लेके रवाना हो चुका हूँ यहाँ से। लीजिए बेंगलोर से निकलते ही, बेंगलोर से थोड़ा सा बाहर निकल चुके हैं और काफ़ी ट्रैफिक मिल रहा है हमें। दोस्तों जैसे भी फाइनली हम पहुँच चुके हैं जो हमारी होटल है, होटल अशोका हसन के अंदर। अब चलते हैं यहाँ से सीधा लंच के लिए और कराते हैं गेस्ट का चेक इन। तो दोस्तों जैसे भी जो मेरे गेस्ट हैं उन्होंने तो उनका लंच कर लिया, और मेरा अभी लंच आ चुका है और बैठे हैं रेस्टोरेंट में। तो हसन थोड़ा सा लेट हो गया पहुँचते पहुँचते, आप लगभग 12 बजे पहुँचने की उम्मीद थी, लेकिन 12:30 पहुँचे हैं। तो अब करते हैं आज का लंच। तो दोस्तों जैसे भी मैं पहुँच चुका हूँ फाइनली हलीबीड़ का जो मंदिर है वो देखने के लिए, और जो मेरा ग्रुप है वो मेरे बैक साइड में आ रहे हैं। और राजेंद्र जी हैं, और यू गुड सर, गुड। तो ये देख लीजिए दोस्तों, ये भी जो होयसाला मंदिर है हलीबीड़ में, मैं वहाँ पे आ चुका हूँ। और ये मंदिर का जो उस वक्त का मेन गेट तो नहीं था, क्यों, मेन गेट तो ईस्टर्न की तरफ था। और ये जितने आप देख लीजिए सॉफ स्टोन से बना हुआ मंदिर है। तो ये देख लीजिए जो मेन मंदिर है, इसके अंदर की तरफ हूँ मैं। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो मंदिर को, तो ये देख लीजिए जो मेन मंदिर है भगवान शिव का, वो अंदर की तरफ है। और ये उससे डांसिंग प्रेजेंटेशन के लिए, और देख लीजिए कितनी अच्छी जो नक्काशी है वो की गई है मंदिर की अंदर। और टोटल यहाँ से सभी पिलर आप देख रहे हो, टोटल 108 पिलर है यहाँ पे। और ये भी जो मंदिर है उसी का ही पार्ट है चारों ओर। और यहाँ पे दो मंदिर इस टाइप के बनाए हुए थे, पहला जो अपन देखा होयसालेश्वर, और जो दूसरा वाला जो मंदिर था वह है शांतिलेश्वर। तो ये वाला अगर आप मंदिर देख रहे हो, ये वाला, ये है शांतिलेश्वर मंदिर जो रानी के लिए था। और आप देख लीजिए कितनी प्यारी यहाँ पे जो डांसिंग जो पोस्टर्स है, स्टेच्यूज है, स्कल्पचर है, और बेहतरीन कलाकारी 12वीं शताब्दी में होयसाला के जो मिनिस्टर थे, जो वित्त मंत्री, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया था। और टोटल 108 पिलर है इस वाले मंदिर में। और जस्ट बिल्कुल मंदिर के सामने की तरफ आप अगर देखते हो तो यहाँ पे ये है नंदी, ये 6th लार्जेस्ट नंदी है यहाँ पे, और 7th लार्जेस्ट नंदी वो वाला। और ये देख लीजिए मंदिर इस टाइप से, लगभग 190 साल इसे टोटल बनने का जो समय था वो लगा था। और टोटल जो 6th जनरेशन थी उन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया था, तो 6 पीढ़ियों ने इस मंदिर का निर्माण किया था, और लगभग 200 साल इसे बनने में लगे। और अभी भी ये मंदिर है जो अनकम्प्लीट है। तो ये जो मेन मंदिर था जो होयसालेश्वर, और ये नंदी आपकी इधर सामने, और ये देख लीजिए बहुत ही उम्दा कारीगरी की गई थी उस वक्त इस मंदिर के अंदर। और वो देख लीजिए यहाँ पे बिल्कुल जो आप थोड़ा सा आगे तरफ देख रहे हो वो है यहाँ पे नदी, इस नदी के पूर्वी तट पर इस मंदिर का निर्माण किया गया था। हियर वी कैन नॉट फाइंड शिखरा, हाँ हाँ, हियर इन बेलूर बोर्ड कैन फाइंड शिखरा इन सोमनाथ मैसूर, ओके, और इन बेलवाड़ी फ्रॉम हियर 13 किलोमीटर अवे। दोस्तों जैसे भी जो हलीबीड़ का मंदिर वो देख के आ चुके हैं, और गेस्ट वगैरह अब चल रहे हैं यहाँ से सीधा बस के अंदर, और चलते हैं ऐसे जो बेलूर है वो वाला विजिट करने के लिए।
दोस्तों जैसे अभी पहुंच चुके हैं जो बेलूर जो चनकेश्वर मंदिर वहाँ पे, सभी ने अब शूज वूज उतारे, अब चलते हैं मंदिर के अंदर की तरफ। तो ये देख लिए दोस्तों, मैं जो बेलूर में जो चनकेश्वर मंदिर है उसके अंदर आ चुका हूँ। और ये जो सामने गोपुरम देख रहे हो, ये 16वीं शताब्दी का बना हुआ गोपुरम, और ये बाहर का जो ग्राउंड है वो वाला, और ये जो मंदिर का मेन गेट है ये वाला। इस मंदिर का निर्माण 1117 ईस्वी में शुरू हुआ था और 1220 में जाके कंप्लीट हो गया। और इसके अंदर भी जो आप इस स्टोन वगैरह आप देख रहे हो पूरा पूरा, ये जो मंदिर है ये स्टॉप स्टोन से बनाया हुआ है। ये देख लीजिए यहाँ का सबसे अच्छा सुंदर पिलर वो वाला, इस पिलर पर जितनी भी मंदिर की जो नक्काशी हो वो एक ही पिलर पर खोदी गई है। और ये जो मेन मंदिर है अंदर की तरफ से देख लीजिए, बिल्कुल विष्णु का मंदिर बीच आगे की तरफ, और हम मंदिर की बिल्कुल अंदर की तरफ हैं। बहुत ही अद्भुत कलाकारी जिसे बनने में लगभग 103 साल इस मंदिर का निर्माण। तो अभी देख रही है चनकेश्वर मंदिर बेलूर का, जो 12वीं शताब्दी का मंदिर है। अभी जो बेलूर टेम्पल वो देख के विजिट करके आ चुके हैं, और अब चल रहे हैं यहाँ से, जो हमारी गाड़ी वो आ चुकी है बस, पूरा ग्रुप मेरे बैक साइड में आ रहा है। तो अब चल रहे हैं यहाँ से सीधा होटल के लिए। तो दोस्तों जो सभी आज का डिनर कंप्लीट हो चुका है, और आज के वो लोग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको मेरी वीडियो लोग पसंद आ रहे हैं, अगर आ रहे हैं तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ऑल द वीडियोज। बाय, गुड नाइट, टेक केयर।